सीटेट 2020। तो स्वागत है आपका सीटेट ऑनलाइन क्लासेस में। आज के इस वीडियो में बात करेंगे मैथमेटिक्स की। तो मैथमेटिक्स के हम 3 लेक्चर पहले कर चुके हैं, अगर आप लोगों ने नहीं देखे किसी के भी मिस हो गए हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, वहां पे आपको मिल जाएंगे। उसके अलावा भी जो अदर सब्जेक्ट है सभी की अलग अलग प्लेलिस्ट है, तो वहां से जाकर आप देख सकते हैं। तो हम मैथमेटिक्स को बहुत ही बेसिक से लेकर चल रहे हैं, यानी कि अगर आप जीरो पे हैं, आपको मैथ बिल्कुल भी नहीं आता, तब भी आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे और बहुत अच्छे से इसको समझ पाएंगे। इसलिए हम सबसे शुरू में बेसिक छोटी छोटी चीजों से बेस बना रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से मैथमेटिक्स को समझेंगे। तो आज मैं आपको दो टॉपिक इसके अंदर कराने वाला हूं। पहला तो ये कि संख्याओं को लिखने की जो पद्धति होती है वो दो तरह की होती है, एक जिसको हम राष्ट्रीय बोलते हैं राष्ट्रीय पद्धति, और दूसरी होती है अंतरराष्ट्रीय पद्धति। तो एक तो ये टॉपिक करेंगे, दूसरा करेंगे हम सन्निकट मान। सन्निकट मान से भी आपके प्रश्न बनते हैं, बहुत ही सिंपल सा और आसान सा टॉपिक है, सिर्फ 2 मिनट में आपको समझ आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहली चीज तो ये जो राष्ट्रीय पद्धति है हमारी, राष्ट्रीय प्रणाली, उसको क्या कहेंगे हम, जो हमारी भारतीय प्रणाली है, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पे अंक लिखे हुए हैं, जैसे हमने एक लिखा तो हम एक को इकाई बोलते हैं, और जैसे हमारा 10 है तो 10 यानी कि 2 अंकों की जितनी भी संख्याएं होती है वो दहाई में हमारी आ जाती है, चाहे वो 10 है 11 है 12 है, मतलब 2 अंकों की जहां पर भी आ रही है तो वो हमारी दहाई में आ गई, ठीक है। तो इस तरह से हम राष्ट्रीय प्रणाली से तो सब लोग परिचित ही है। तो ये कैसे चलती है हमारी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, उसके बाद में लाख, उसके बाद में 10 लाख, फिर उसके बाद में 1 0 और बढ़ाया तो करोड़, फिर उसके बाद में 10 करोड़, फिर अरब, फिर 10 अरब, फिर खरब। इसी तरह से जो है हमारी ये राष्ट्रीय प्रणाली चलती है। इसको आप क्या बोलते हैं, इसको हिंदी अरबिक प्रणाली भी बोलते हैं, हिंदू अरबी प्रणाली भी बोलते हैं, और भारतीय प्रणाली भी इसी को बोलते हैं, ठीक है। अब बात करें अगर हम अंतरराष्ट्रीय प्रणाली की, तो इसको ब्रिटिश प्रणाली भी बोलते हैं। तो इसमें संख्याओं को इसी प्रकार से नहीं पढ़ा जाता। देखिए इसको जो है हजार तक तो सेम रहेगा, यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 तक। उसके बाद में इसमें लाख नहीं आता, बल्कि उसी को ये 100,000 पढ़ देते हैं। देखिए कैसे, देखिए जैसे ये लाख है तो लाख में हमारे 5 0 होते हैं, तो ये 3 0 से तो 1,000 हो जाएगा, और इधर कितना बचा आपका 100, तो ये पढ़ते हैं उसको 100,000, ठीक है। तो इस तरह से उसमें परिवर्तन हो जाता है। फिर जो हमारा 10 लाख होता है तो ये 10 लाख को सीधा मिलियन पे आ जाते हैं, ठीक है। अब मिलियन के बाद फिर उसी तरह से एक एक अंक बढ़ेगा, तो मिलियन के बाद 10 मिलियन, 100 मिलियन, उसके बाद में आता है आपका बिलियन, फिर 10 बिलियन, 100 बिलियन, फिर उसके बाद में आता है आपका ट्रिलियन। तो देखिए यहां पे कैसे इसको हम आसान तरीके से याद रख सकते हैं, वो ये है कि जो हमारी भारतीय प्रणाली है उसमें 10 10 पे ही परिवर्तित हो जाते हैं नाम। जैसे कि 1,000 के बाद 10,000 आया, उसके बाद में 10,000 के बाद सीधा लाख आ जाएगा, लाख के बाद में फिर 10 लगा, उसके बाद में करोड़ आ जाएगा, फिर 10 लगा, 10 करोड़, फिर अरब आ जाएगा। यानी कि कहने का मतलब यहाँ पे यह है कि यहाँ पे 10 बढ़कर ही दूसरा अंक, दूसरा नाम आ जाता है, यानी कि संख्या हमारी बदल जाती है 10 के बाद, इसमें 100 के बाद बदलती है। देखिए कैसे 10,000, उसके बाद में 100,000 भी आएगा, फिर मिलियन आएगा, फिर उसके बाद में 10 मिलियन आएगा, फिर 100 मिलियन आएगा, फिर नाम परिवर्तित होगा, फिर बिलियन आएगा, फिर उसके बाद में 10, फिर उसके बाद में 100 बिलियन, फिर उसके बाद में आएगा ट्रिलियन। इसी प्रकार से 10 ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन। तो इसमें क्या है, इसमें 100 आता है और इसमें केवल 10 आता है। तो इसको इस तरह से याद रखेंगे। अब जैसे ये क्यों जरूरी है, क्योंकि आपके क्वेश्चन बनते हैं। मान लीजिए आपको एक संख्या दे दी, फिर आपसे पूछ लिया कि इस संख्या को अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में शब्दों में लिखो, तो कैसे लिखोगे, आपको तो पता ही नहीं अंतरराष्ट्रीय प्रणाली कैसे लिखोगे, आप राष्ट्रीय प्रणाली के अकॉर्डिंग लिख के आ जाओगे, आपका आंसर गलत हो जाएगा, इसलिए इसको जानना जरूरी है। देखिए यहां पे जैसे मैं एक संख्या लिख रहा हूं, मान लीजिए देखिए जैसे ये संख्या मैंने आपके सामने एक लिखी है, अब इसको आपको शब्दों में लिखना है। तो सबसे पहले अगर मैं इसकी बात करूं कि इसको जो है राष्ट्रीय प्रणाली में लिखना है, तो कैसे हम लिखेंगे इसको, हम लिखेंगे देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी कि हम इसको लिखेंगे 65,03,821। कैसे लिखेंगे 65,03,821। और अगर इसी को हमें कैसे लिखना हो, अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में लिखना हो, तब हम कैसे लिखेंगे इसको, तब हम इसको 65 लाख नहीं लिख सकते। इसको हम कैसे लिखेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, और उसके बाद में मिलियन। तो इसको लिखेंगे हम 6 मिलियन, ठीक है। मिलियन के बाद में उसमें हजार आता है, लेकिन 100,000, तो उसको कैसे लिखेंगे हम 503,503,000,
इस तरह से लिखेंगे 503,000, उसके बाद में लिखेंगे 821, ठीक है, उसके बाद में लिख देंगे हम 821। तो ये फर्क होता है आपका राष्ट्रीय प्रणाली और अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में, सिंपल। तो आई थिंक इस चीज को आप समझ गए होंगे। अब मैं आपको बताता हूं सन्निकट मान किसे कहते हैं, एक छोटा सा 2 मिनट में समझ जाओगे, उसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी कौन सी संख्या में कितने जीरो लगते हैं वो आप खुद से लिख के देखें, खुद ट्राई करें उसको, आप समझ जाएंगे अपने आप से। 1 लाख में कितने जीरो लगेंगे, 10 लाख में कितने जीरो लगेंगे, देखिए सन्निकट मान का मतलब क्या है। सन्निकट का मतलब सीधा सा, इसके अंदर एक वर्ड है और वर्ड है वो निकट, और निकट का मतलब होता है आपका पास, यानी कि किसके पास है, तो किसके ज्यादा पास है यही पूछता है। जैसे मैंने आप यहां पे संख्या लिखी 3, अब 3 जो है वो इधर है, 1 से 10 तक की संख्या लिख रहा हूं मैं, यहां 10 है और यहां 1 है। अब आप मुझे ये बताइए 3 जो है वो 10 के ज्यादा करीब है या 1 के ज्यादा करीब है, तो सिंपल सी बात है 1 के ज्यादा करीब है, क्योंकि इनके बीच जो डिफरेंस है वो केवल 1 ही अंक का है, जबकि इनके बीच में बहुत सारे 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा, तो इसके अंदर डिफरेंस ज्यादा है, इसका मतलब 3 जो है वो 1 के ज्यादा करीब है, सिंपल। अब इसी तरह से हमें मान जो है निकालने होते हैं, जैसे मान लीजिए एक संख्या दे दी आपको, यहां पर दे दी 2890 और आपको यहां पर कहा ऑप्शन दिए आपको, यहां पे जैसे 3000 दे दिया एक ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन दे दिया आपको 2900, ठीक है, और तीसरा ऑप्शन दे दिया यहां पर आपको 2800, और चौथा ऑप्शन दे दिया आपको यहां पर 3100। अब आपसे पूछ लिया कि 2890 का सन्निकट मान कौन सा होगा इनमें से, तो भाई अब आपको यह अंदाजा लगाना है कि ये जो है इन चारों संख्याओं में से किसके पास जल्दी पहुंच जाएगा, यानी कि किसके पास किसके करीब ज्यादा है, या डिफरेंस जो है वो किससे सबसे ज्यादा कम है। देखिए यहां पे अगर हम बात करें तो 3000 जो है वो इससे लगभग जो है 110 जोड़ना पड़ेगा, यानी कि 110 अंक दूर है, और इसी प्रकार से 2800 की बात करें तो वो 90 अंक दूर है। अब सन्निकट मान का मतलब ये नहीं होता कि उसको आगे की तरफ बढ़ाना है या पीछे की तरफ बढ़ाना है, ठीक है, क्योंकि यहां पर अगर मैं 2800 की बात करूं तो 2800 इससे छोटा है जबकि 3000 बड़ा है, लेकिन दोनों में से कोई भी हो सकता है, तो फर्क यह नहीं पड़ता कि आप उसको आगे की तरफ बढ़ा रहे हैं या पीछे की तरफ बढ़ा रहे हैं, फर्क यह है कि वो किसके ज्यादा करीब है। जैसे अभी मैंने 3 बताया तो 3 1 के करीब है, तो वो पीछे की तरफ गया है ना कि आगे की तरफ बढ़ा है, लेकिन करीब वो 1 के था इस हिसाब से। अब यहां पर अगर मैं देख रहा हूं 2890 को 2900 से, तो 2900 से 2890 जो है वो केवल 10 नंबर का डिफरेंस है, 3100 इससे भी बड़ा हो गया, फिर तो 210 का डिफरेंस हो गया, इसका मतलब 2890 जो है वो इसके सबसे ज्यादा करीब है, तो इसका सन्निकट मान जो होगा वो 2900 होगा। आई थिंक आप इस पॉइंट को समझ पा रहे हैं, बस हमें ये लास्ट वाले अंक जो है वो मिलाने होते हैं कि किससे सबसे कम डिफरेंस है। जैसे कि यहां पर मान लीजिए एक संख्या मैंने लिखी है 3530, ठीक है, अब यहां पर एक अंक एक दे दिया आपको 3500, एक दे दिया आपको 3600, एक दे दिया आपको 3000 और एक दे दिया आपको यहां पर 4000, तो आप खुद से बता सकते हो, बताइए आप कौन सा आंसर यहां पर राइट होगा आपका। तो 3530 दिया, 3600 दिया, 3000 दिया और 4000 दिया, तो आप सबको पता है कि अगर इसके अंदर से केवल 30 को हटा दिया जाए तो ये 3500 ही बचेगा, यानी कि सिर्फ 30 का डिफरेंस है 3500 तक पहुंचने के लिए, लेकिन 3600 तक पहुंचने के लिए पूरे पूरे 470 अंक की कमी पड़ रही है, तो 3600 तक तो पहुंच ही नहीं पाएगा, वो कितना ज्यादा डिफरेंस हो गया ना, तो इसलिए इसका सन्निकट मान जो है वो 3500 होगा। कहने का मतलब यह है कि जो संख्या सबसे ज्यादा करीब हो उस अंक के वही उसका सन्निकट मान होता है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं होता, ठीक है। अब जैसे इस छोटी सी संख्या में अगर हम देखें यहां पर 28 जो है, तो इसका सन्निकट मान 30 होगा या 25 होगा, अब आप बताइए दोनों में से कौन सा होगा, तो इसमें से आप कमेंट करके बताना मुझे कि 28 का सन्निकट मान 25 होगा या 30 होगा, कमेंट में लिखना, ठीक है। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो ज्यादा से ज्यादा, और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं किया अब तक, और बेल आइकन को प्रेस कर लो। साथ में हमारे अदर चैनल्स हैं उनको भी जरूर सब्सक्राइब करना। एससी टीचर अकेडमी के होम पेज पर जैसे जाएंगे उसी पर नीचे स्क्रॉल करने पर यहाँ पर आपको दूसरे चैनल देखने को मिल जाएंगे। और भाई जिन लोगों को सीटेट 2020 के नोट्स लेने होंगे, जिन लोगों ने अभी तक नहीं लिए हैं, तो वो इस नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज कर देना।